हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बायोशॉट सीरीज टुडेज एमसीक्यू इज इन बीटी कॉटन स्पेसिफिक प्रोटीन इज प्रेजेंट कोडेड बाय डैश जीन बीटी कॉटन की बात करें तो वो एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है और इसमें बी और टी स्टैंड करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि एक माइक्रोब है दैट इज बैक्टीरिया और उसका नाम है बेसिलस बी फॉर बेसिलस एंड टी फॉर थ्रजेनेसिस ये नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है ये एक बैक्टीरियल स्पीशीज़ है अब क्या होता है ये जो बीटी कॉटन का प्लांट होता है इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में इस कॉटन प्लांट में प्रेजेंट होती हैं वो एनकोडेड होती है बाय क्राइजिन क्राइजिन के भी आप आगे, आगे आपको स्पेसिफिक टाइप मिलेंगे कुछ बॉलवम के लिए कुछ कॉन बॉर के लिए यूज़ होते हैं तो वो वीडियो लंबा चला जाएगा उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो बीटी कॉटन में इनएक्टिव प्रोटीन होती है मान लो ये कोई कॉटन प्लांट है और यहाँ पे क्या हुआ एक इंसेक्ट आ गया इंसेक्ट, आ गया। इंसेक्ट आया तो जो इसके अंदर बीटी है बीटी इनएक्टिव प्रोटीन है वो इस इंसेक्ट के अंदर चलेगी और फिर इस इंसेक्ट के मिड गट रीजन में जब वो जाएगी तो उस मिड गट रीज़न में एल के लाइन पी की वजह से वहाँ पे वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगी फिर जो एक्टिव हो गई वो प्रोटीन ठीक है जी जब वो एक्टिव प्रोटीन है वो क्या करेगी उस इंसेक्ट के मिड गट रीज़न में जो उसकी एपीथीलियल सेल्स होंगी ठीक है एनिमल टिश्यू की जो एपीथीलियल सेल्स हैं उनके साथ क्या हो जाएगी बाइंड हो जाएंगी बाइंड हो जाएंगी फिर इसके आगे क्या होगा एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड होने के बाद उन सेल्स में वो पोर क्रिएट्स कर देंगी जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाता है सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है ओके तो वैसे तो सेपरेट एक बीटी कॉटन या बीटी जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पर सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है ये बहुत एक सेपरेट बड़ा टॉपिक बन जाता है ज़रूर इसको मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं मिलते हैं नेक्स्ट एम में आज का थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया बाय बाय अ नाइस टाइम टेक केयर